हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिव्या श्रीवास्तव आपका सुपर 60 एजुकेशन हब पे फिर से वेलकम करती हूँ। बट आज जैसा कि आप देख भी सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने नहीं वाली हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ बताने वाली हूँ। ARO एग्ज़ाम 2018, ये आई होप आप सबने इसका फॉर्म ज़रूर भरा होगा, है ना। जिन्होंने नहीं भी भरा है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, बट अभी ये नेक्स्ट टाइम जब फिर आएगा फिर से आप भर दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो आप सब देख लीजिए, चाहे भरा हो चाहे ना भरा हो, बिकॉज इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है आगे के लिए। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हाई कोर्ट की एक पोस्ट है, हिंदी में इसको सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्ज़ाम 2016 में लास्ट हुआ था और उसके बाद ये अभी हो रहा है आपका, मतलब अब होगा, इस बार होगा। तो बहुत ही अवेटेड था ये वैकेंसी, बहुत ही अवेटेड थी, तो फिर इसको मिस मत करिएगा। इसमें जितने भी आपके, मतलब जितना भी एफ़र्ट आप लगा सकते हो उतना एफ़र्ट आप लगाइए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इसमें पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है इसका, है ना। और लास्ट ईयर जो ARO का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जिसको हम कहते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि किस टॉपिक पे कितना, मतलब वेटेज दिया गया था, किस टॉपिक को कितना फोकस किया गया था। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं ARO के एग्ज़ाम का, कि ये कब आया, कैसे, मतलब इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन कितनी आई, कितनी वैकेंसी थी, ये हम देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसका जो प्रेस रिलीज था 17 दिसंबर 2018 को आया था। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हुई थी 18 दिसंबर 2018 से एंड ख़त्म हुई थी 7 जनवरी 2019। टोटल पोस्ट 277 थी। ये जो टोटल पोस्ट है, मैं यहाँ पे सिर्फ ARO की बात कर रही हूँ, मैं APS और बाकी किसी की बात नहीं कर रही, APO वगैरह की, क्योंकि 3-4 पोस्ट इसमें निकली थी। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ARO की बात कर रही हूँ, तो जो आपकी 277 आई थी। इसकी जो एज आपकी लिमिट थी वो 21 से 35 ईयर्स था। काफ़ी है, मतलब काफ़ी लोग इसमें एलिजिबल हैं और काफ़ी लोग इसे भर सकते हैं, भर सकते थे, अब तो ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल आगे भी याद रखिएगा कि इतनी ही एज लिमिट होती है। पे बैंड इसका 9300 से 34800 है। ग्रेड पे इसका 4600 है अभी। ये अप्रॉक्स आपका 55 या 56000 तक की इसकी सैलरी आपकी ग्रॉस बनती है। बहरहाल ये तो आपका ये हो गया कि क्या क्या टॉपिक्स, मतलब क्या क्या इसका जो है था, कौन कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट थी जो आई थी, है ना। अब तो वो चली गई तो अब हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, बट आगे देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, है ना, क्या इसके कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसा पेपर होता है, प्री मेंस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसका एग्जामिनेशन जो आपका है वो 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, स्टेज 2 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेज 1 प्री है और स्टेज 2 आपका मेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेज 1 सिंपली एक रिटन एग्जामिनेशन है एंड स्टेज 2 आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। स्टेज 1 में आपके टोटल क्वेश्चंस 200 आते हैं, टोटल मार्क्स 200, टोटल टाइम गिवन 150 मिनट्स, मीन्स 2.30 आवर्स, ढाई घंटे का पेपर होता है। 200 मार्क्स होते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देन स्टेज 2, जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाते हो तब आपको स्टेज 2 के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। स्टेज 2 आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है जो कि 50 मार्क्स का आता है एंड इसमें आपको ओपन ऑफिस राइटर पे, ये ज़रूर याद रखिएगा कि ओपन ऑफिस राइटर होता है, ये MS Word नहीं होता है, ओपन ऑफिस राइटर पे आपको टाइप करना होता है अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स होते हैं जिनका टोटल टाइम 15 मिनट्स होता है। मतलब आपकी स्पीड अगर बहुत अच्छे से आपको करना है तो 55 के आसपास होनी चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 50 तो होनी ही चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स 17 है, 17 मार्क्स आपको लाने हैं, आप पास हो जाओगे आराम से,
बट एक और चीज़ है, ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, के बाद जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं स्टेज टू के लिए, है ना। तो आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने ओवरऑल मेरिट को हाई करने की। जैसे सपोज़ रिटन में आप सेलेक्ट तो हो गए हो, बट क्या है कि मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए या उतने हाई नहीं आए जितना आपने सोचा है, क्योंकि हम सब अपना पेपर करके आते हैं, हम सब अपना इवेल्युएशन खुद कर सकते हैं, हमें पता होता है कि हम कितने ला सकते हैं या कितना हम किस लेवल पे होंगे वहाँ पे। तो उन सारे कैंडिडेट्स को स्टेज टू पे बहुत एफर्ट लगाना चाहिए। एंड आपके पास ये मत समझिएगा कि टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम बहुत होता है, जितना भी एक महीने का टाइम भी बहुत होता है किसी भी चीज़ के लिए। टाइपिंग आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो बिल्कुल डीले मत करिए, एंड अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। कोई जिसको ज्वाइन करना है कोई टाइपिंग सेंटर, वो वहाँ ज्वाइन, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको टाइपिंग प्रैक्टिस में हेल्प करती है, तो गो फॉर दैट। डेली टाइप करिए और इतने इतना टाइप करिए, 15 मिनट्स को लेकर 500 वर्ड्स आपको पूरे करने हैं। एंड 500 वर्ड्स पूरे करने का मतलब ये जो मार्क्स आपका मिलता है ना यहाँ पे, ये इस पे नहीं है कि आपने 500 वर्ड ख़त्म कर दिए, ये एक्यूरेसी पे होता है। यहाँ पे भी एक्यूरेसी होती है कि आपने जो टाइप किया है वो सही है, ऐसा 500 में आपने 200 वर्ड्स की स्पेलिंग्स गलत लिखी हुई हैं, है ना, फॉर्मेटिंग गलत करी हुई है, तो ये सब काउंट होता है। सो आपको उन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना है, सिर्फ स्पीड पे फोकस नहीं करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यहाँ पे चलाना है अपना, ठीक है। तो ये कंप्यूटर टेस्ट जो स्टेज टू है वो मैंने आपको बता दिया, इसमें इससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। जो मेन फोकस हम करेंगे अभी, हम स्टेज वन पे करेंगे, रिटन एग्जामिनेशन हमारा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उस पे ज़रूर फोकस करेंगे। ये क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग जिन्होंने फॉर्म भरा है वो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं तो कर ही रहे होंगे, मतलब पहले से कर ही रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तुरंत ही नहीं स्टार्ट करी होगी कि नहीं बस कल फॉर्म भरा और आज से प्रिपरेशन शुरू कर दी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ एआरओ की नहीं, ऑब्वियसली बात है एआरओ की साल साल से कोई प्रिपरेशन नहीं करता है। तो नॉर्मली आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा आपको इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत आराम से कैच कर सकते हो इसको। काफ़ी लोग मतलब ये काम करते हैं, आप बहुत टाइम से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हो, लेकिन पता है जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो आप उसके बाद आप फिर से पॉइंट वन से स्टार्ट करके तैयारी स्टार्ट कर देते हो, मतलब ए से लेके जेड तक आपका फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हमें फॉर्म भरने के बाद, मतलब अब आपका ये जो पेपर है, अगर हम सिर्फ एक इस पेपर का एग्जांपल लें, तो ये पेपर आपका फेब लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में हो जाएगा, जैसा कि एक टेंटेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो इस जो बचा हुआ टाइम है, मतलब एक महीना या उससे भी कम का वक्त होगा, इसमें आप ए टू जेड अगर लेके चलोगे तो कैसे आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो, आप उसको कैसे कर सकते हो अच्छे से, अभी क्या ज़रूरत है, बिकॉज टाइम बहुत कम है। तो आपकी प्रैक्टिस हाई होनी चाहिए, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर चांसेस आर देयर, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सिर्फ करनी है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। जितने मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं, बुक खरीद लाइए, मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, आप उनके थ्रू सॉल्व करिए, एसएससी के वेरियस पेपर्स लगाइए, बिकॉज इसका काफ़ी हद तक एसएससी से बहुत मिलता जुलता पेपर होता है। तो एसएससी सीजीएल की मैंने बात की है, सीएचएसएल की नहीं, या दूसरा स्टेनो वगैरह की नहीं मैं बात कर रही हूँ, एसएससी सीजीएल की यहाँ बात कर रही हूँ मैं। तो उनके पेपर्स लगाइए, मैक्सिमम कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिए, टॉपिक या चैप्टर्स को प्रिपेयर करने का अब टाइम नहीं है। और जिन्होंने, जैसे बहुत सारे लोगों का शायद ये फर्स्ट पेपर ही होगा जो उन्होंने भरा होगा, पहला फॉर्म, ठीक है, उन्होंने देखा होगा वो एलिजिबल हुए होंगे और उन्होंने भरा होगा इसे, तो उनके लिए भी मैं ये कह रही हूँ कि इट्स ओके अगर आपने पहले तैयारी नहीं करी है, कोई बात नहीं। आप एग्ज़ाम होते हैं ना, ये हमारे टेंथ तक के पढ़े हुए सब्जेक्ट्स पे ही आते हैं, तो टेंथ तो सबने पढ़ी होती है, सबने ही, सब लोग पढ़ के आए होते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो अलग बात होती है कि बहुत साल पहले पढ़ा होता है तो माइंड से काफ़ी हद तक वो उसका टच चला जाता है, तो हम उसी को ही पॉलिश करते हैं, उसी को ही फर्म करते हैं अपने नॉलेज में, ठीक है। तो
इतना फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपने ए टू जेड नहीं तैयारी करी है। हालांकि दैट इज़ गुड, वो तो बहुत अच्छा है, आपके चांसेस बहुत ही फेयरली इंक्रीज़ करता है वो अगर आपने कायदे से थॉरली तैयारी करी है। बट अगर आपने नहीं की है और आपने अब, तो बिल्कुल होप लूज़ मत करिए कि मैंने तो बहुत साल साल से तैयारी नहीं करी है। इट्स ओके, आप भी प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो एंड यू विल सक्सीड, ट्रस्ट मी। बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करो इसका। तो अब हम पैटर्न समझते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं रिटन एग्जामिनेशन में। रिटन एग्जामिनेशन में आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, ठीक है। जनरल नॉलेज 100, जनरल इंग्लिश 50, जनरल हिंदी 20, रीजनिंग मैथ एक ही में आता है 20 मार्क्स का, एंड कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का आता है। टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया। ये जो है, जितना भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, वो सारा जो 2016 में पेपर आया था, सब कुछ उस पे बेस्ड है, सारी चीज़ें उसी पे ही बेस्ड हैं। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि जो आपको बोला है एग्जैक्टली वही वही आना है, उसी उसी टॉपिक से आना है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बस ये सोच के चलिएगा कि लास्ट ईयर ऐसा आया था, तो इस ईयर आपको उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, बट एग्जैक्टली वही तैयार नहीं करना है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे जो ज़रूरी होता है हमारे पास, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है कि हम क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। हमें अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि वीकनेस और स्ट्रेंथ हम हर लेवल पे बना सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे आपके पास आया है 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप पहले से इसमें देख लो कि कुछ लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा है, कुछ का हिंदी बहुत अच्छा होगा, कुछ की रीजनिंग, कुछ की मैथ, कुछ की कंप्यूटर और कुछ की जीके, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेंथ आप पकड़ लो यहाँ पे क्या है, वीकनेस क्या है। तो वीकनेस आपकी जो भी है उसके अलावा जितनी स्ट्रेंथ है, जैसे मैक्सिमम जितना कि मैंने अभी तक जाना है, मैक्सिमम बच्चों की जो वीकनेस होती है वो जीके होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है, 100 मार्क्स का है वो, तो वो आपकी वीकनेस हो गई। बट अगर आपकी जीके वीकनेस है तो मेक श्योर कि जो बचे हुए आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी स्ट्रेंथ हो। वीकनेस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इंग्लिश वीकनेस है तो बचे हुए आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हों वो स्ट्रेंथ हो, ठीक है, ताकि आप अगर यहाँ पे जो नहीं कर पा रहे हो वो आप बाकियों से कवर कर सको, बाकी सब्जेक्ट से आप कवर कर सको। अपनी स्ट्रेंथ को और शार्प करो एंड वीकनेस को भी इतने अच्छे से वर्क करो वीकनेस पे कि वो भी एकदम वीकनेस ना रह जाए। एट अ पॉइंट धीरे धीरे करते करते वो भी आपकी एक स्ट्रेंथ बन ही जाएगी, बट बिकॉज अभी टाइम बहुत कम है तो हम उसके हिसाब से अगर बात करें तो भी इतना करो कि वीकनेस पे भी आपकी पकड़ हो जाए अच्छी, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से ही डेवलप कर सकते हैं, ये आपको मैं या कोई और नहीं बनवा सकता, ये आपको खुद बनानी है, खुद बैठना है, खुद समझना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट लेवल पे आपको यही समझ लेना है कि इन 5 में से विच इज़ योर वीकनेस एंड विच इज़ योर स्ट्रेंथ, ठीक है। मेन आपको ये समझ लेना है। देन अब हम डिटेल्ड बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। डिटेल सिलेबस से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। लास्ट ईयर जो है आरओ के लिए एंड एआरओ के लिए जो वैकेंसी आई थी, नॉट लास्ट ईयर, एक्चुअली लास्ट टाइम 2016 में जब आई थी, तो उस समय हाई कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पे ये सिलेबस ओवरव्यू दिया था जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें ए से लेके एल तक टोटल आपके 12 टॉपिक्स दिए हुए हैं कि इसी में से ही आना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक ओवरव्यू देखो इसको ऊपर से, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंसिया, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स।
तो आप अगर ऊपर से इसे पढ़ो तो आपको एक इन जनरल आपको लगेगा कि यार सब्जेक्ट्स तो 5 थे बट ये तो पूरा जीके का ही टॉपिक दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको एक उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है टॉपिक्स को, ठीक है, सब्जेक्ट को ना करके उन्होंने टॉपिक्स को कर दिया है। इनसाइड में उन्होंने आपको बस बता दिया ये 12 टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उन्होंने आपको ऐसे बोल दिया है। बट आप ध्यान से देखोगे तो आपके पांचों सब्जेक्ट इसमें कवर्ड है। जीके तो सबको दिख ही रहा है ऊपर से, ठीक है। देन आपका आई पॉइंट पे जो है वो आपका रीजनिंग और मैथ हो गया, के पॉइंट पे आपका जो है वो आपका जनरल इंग्लिश, इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया, हिंदी एक सब्जेक्ट हो गया, एंड एल पे आपका कंप्यूटर्स एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट तो आपके कवर अप हो ही गए हैं, है ना। इसमें एक और चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिए जो आपको समझ में आएगा, कि स्पेशली जे पॉइंट में देखिएगा कि स्पेशल फोकस यहाँ पे उत्तर प्रदेश ज़रूर लिखा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। मतलब इंडिया की तो ज्योग्राफी आनी होती है, इंडिया की हिस्ट्री आनी ही होती है, ठीक है, बट यहाँ पे हर एक चीज़ में उत्तर प्रदेश को स्पेशल एक पॉइंट में मेंशन किया है। दैट मींस उत्तर प्रदेश को आप को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जब किया है तो मतलब इम्पॉर्टेंट है, सिंपल। ठीक है, ये 12 के 12 जो पॉइंट्स हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, तो ये आपको फोकस करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं कि लास्ट ईयर कैसा पैटर्न आया था। हम डिटेल पैटर्न की स्टडी करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो फर्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो जनरल नॉलेज है, ऑर्डर के हिसाब से, जो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाया था, तो वहाँ मैंने ऑर्डर के हिसाब से ही अरेंज किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि जीके 100 मार्क्स का है, इंग्लिश 50, हिंदी 20, रीजनिंग मैथ 20 एंड कंप्यूटर 10, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स था। तो हम जीके को उठाते हैं, इसमें भी जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं वो भी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स पे ही लिखा है, मीन्स वेटेज जितना आया था लास्ट ईयर उस हिसाब से। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा आए थे, 20 मार्क्स के अप्रॉक्स आपके करंट अफेयर्स आए थे, जिसमें आपके इकोनॉमी पे काफ़ी फोकस किया गया था। ठीक है, इकोनॉमी में आपका बहुत फोकस था, इंडियन इकोनॉमी जो थी उस पे करंट अफेयर्स काफ़ी फोकस हुए थे। 20 मार्क्स मायने रखता है, 100 मार्क्स में 20 मार्क्स करंट अफेयर्स के, ठीक है, तो करंट अफेयर्स तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी लोगों को क्या डाउट होता है कि करंट अफेयर्स हमको कितना पढ़ना चाहिए, मतलब कितने दिन का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको कायदे से पढ़ना है तो एटलीस्ट आपको एक साल का तो करंट अफेयर्स होना चाहिए, कि आपको एक साल का पढ़ना होता है, बट एटलीस्ट नहीं, बट हम ये है कि एक साल का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो या समवेयर और दी अदर वो आपकी वीकनेस में लाए करता है, ठीक है, तो वहाँ पे ट्राई करिए कि एटलीस्ट मिनिमम आप लेटेस्ट 3 मंथ्स का ज़रूर से प्रिपेयर करके जाइए। लेटेस्ट 3 मंथ, लेटेस्ट 6 मंथ एंड 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर, ठीक है, ये एक है। आप अगर 1 ईयर का नहीं कर सकते तो आप 6 मंथ का तो कर लो, 6 मंथ्स का भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का तो कर ही लो, हर हाल में कर लो, ठीक है। टाइम कम है, अगर आपने अब तक नहीं शुरू किया है तो आप अभी से कर लो, क्योंकि 20 दिन है, 20-25 दिन या 1 महीना जो भी जितना भी आएगा आपका, तो 3 महीने की तो कम से कम करेंट अफेयर्स आपको करना ही पड़ेगा। करेंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का एक जो सबसे अच्छा तरीका है, जो मुझे भी मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो ये कि आप एक ब्लैंक रजिस्टर अपने पास बना के रख लो, रजिस्टर, डायरी, वॉट एवर यू विश, जहाँ पे आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सको, ऐसा कुछ बना के अपने पास रख लो, एंड डेली बेसिस पे मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट में बिफोर स्लीपिंग, वेन एवर यू विश, अपना एक जो है अपनी चॉइस का एक टाइम स्लॉट चूज़ कर लो, ठीक है। मतलब बिल्कुल समझ लो कि एक दवाई है, जैसे दवाई खानी होती है ना, कि दिन भर में एक दवा खानी है, एकदम उसी तरह से लाइक अ मेडिसिन यू टेक, आपको बिल्कुल उसी तरह से इसको वो करना है, अपनी हैबिट में लाना है, रोज़ में करेंट अफेयर्स लिखना है आपको पॉइंट वाइज, ठीक है, शॉर्ट में पॉइंट वाइज लिखना है। करंट अफेयर्स लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा पेपर पढ़ा, जैसे द हिंदू पढ़ा तो आपने द हिंदू उठा के आपने सब पैराग्राफ पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया, डोंट हैव टू राइट दैट। आपको सिर्फ पॉइंट फोकस करना है, एंड डेली की न्यूज़ जो होती है, डेली के जो करंट अफेयर्स होते हैं हमारे, वो बहुत सारे से होते हैं, तो हमको सब नहीं लिखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ वो लिखना है जहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन मिलने के चांसेस हों, क्योंकि डेली की न्यूज़ बहुत ही फालतू भी आती हैं, आपको उन पे नहीं फोकस करना है, आपको वो न्यूज़
कैचअप करनी है जिसमें आपका मतलब आपको पता हो कि हाँ क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, जैसे कि बिजनेस न्यूज़ जो होती है इकॉनमी की, मैंने बात की थी आपको बिजनेस स्टैंडर्ड्स, बिजनेस जो न्यूज़ होती हैं आपकी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, कि कौन सी मतलब कंपनी ने कहाँ पे, जैसे बहुत सारी कंपनीज एक दूसरे के साथ टाई अप कर लेती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड हो गया, किसी ने किसी के शेयर्स खरीद लिए, काफ़ी सारे बिजनेस न्यूज़ तो आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। ठीक है, इंडिया ने अपने जो है फाइनेंशियल प्लान्स में क्या चेंज किया क्या नहीं किया, ये सब आपके आते हैं बिजनेस में, तो ये सारे हो गए। प्लस किसी को जो है क्या कहते हैं कौन सा अवार्ड मिला, अवार्ड एंड ऑनर्स, एक लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखोगे लिखा भी है अवार्ड एंड ऑनर्स का, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपके जो करंट अफेयर्स हो गए, प्लस किसी की बर्थ एनिवर्सरी है, किसी की डेथ एनिवर्सरी है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की, या जो इंपॉर्टेंट डेज हैं हर मंथ पे कोई ना कोई दिन तो पड़ता ही है, जैसे इन्वायरमेंट डे हो गया, वाटर डे हो गया, इम्यूनिटी डे हो गया, है ना, ये सारे जो डेज हैं इनकी क्या थीम थी, मतलब करेंट ईयर की हर साल की एक थीम डिसाइडेड होती है मैक्सिमम डेज में, तो उनकी क्या थीम थी, या इंडिया का किन किन इम्पॉर्टेंट मतलब कंट्रीज से कौन कौन सी MOU साइन हुए, कितने हुए, क्या रिमार्केबल था, तो आपको खोज कर वो करेंट अफेयर्स नोट करने हैं। इसके लिए अगर आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास नहीं है टाइम, नहीं आपको पसंद है, तो आप जितनी वेबसाइट्स होती हैं, काफ़ी सारी हमारे पास वेबसाइट्स हैं, जैसे कि bankersadda.com, ठीक है, महिंद्रास की है बैंकर्स गुरु, देन ग्रेट एम्बिशंस, अफेयर्स क्लाउड, ऐसे करके आपको कई सारे ऑनलाइन मतलब आपको मिल जाएंगे वेबसाइट्स जो आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देते हैं, मतलब 15-20 उनके होते हैं, उसमें लिखे होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप कुछ नहीं तो आप बस उनको ही पढ़ो और उनको ही नोट डाउन करते रहो, आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ जॉट डाउन करना है नीचे अपनी रजिस्टर में। उससे क्या होता है कि मैं क्यों कह रही हूँ, सपोज़ आप नहीं लर्न कर रहे हो, आपको नहीं याद होता है, आप नहीं करना चाहते हो, तो इट्स ओके, आप सिर्फ उसको लिख दो, उसका ये प्रॉफिट होता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर रहती है, और एक हमारे साथ बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो हम पेपर देते हैं मैक्सिमम वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे होते हैं। मैंने मैक्सिमम पेपर्स की यहाँ पे बात की है, UPSC एंड एक्सेट्रा की बात नहीं की है जहाँ पे आपके सब्जेक्टिव्स भी आते हैं, मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बता रही हूँ, जैसे बैंक, SSC, ARO, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम्स हैं रेलवेज, इनकी मैं बात बता रही हूँ आपको, कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं या 5 ऑप्शंस दिए होते हैं किसी ना किसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो अगर हम ऐसे ना डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स जॉट डाउन करते हैं तो होता क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर रह जाता है, हमें नहीं याद है, हमें टाइम नहीं मिला उसको याद करने का, कोई बात नहीं, बट जब हम पेपर देखते हैं और पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वो 4 ऑप्शंस देख के सबकॉन्शियस माइंड में हमें रिमाइंड हो जाता है कि अरे हाँ जो हमने पढ़ा था वो कुछ कुछ इसी ऑप्शन के जैसा था, कोई एक ऑप्शन रिमाइंड हो जाता है, याद आ जाता है हमको, वो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है करेंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये तरीका है कि आप करेंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ये 20 मार्क्स का था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री जो है आपका टोटल मिला के 18 मार्क्स का आया था। हिस्ट्री में आपके 3 पॉइंट्स होते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है, तीनों को कवर किया था इसमें। एंशियंट आपका 7 मार्क्स का था, मिडिवल 4 का था, मॉडर्न 7 का था आपका, तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में कोई भी एक या दो कवर था, तीनों ही कवर था, फोकस ज़्यादा एंशियंट और मॉडर्न पे था, तो आप देख लो कि आपको कैसे इसको करना है, ठीक है। हिस्ट्री 18 मार्क्स की है, मीन्स हिस्ट्री का वेटेज बहुत हाई था। देन थर्ड टॉपिक आपका है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी काफ़ी मार्क्स की आई थी, 14 मार्क्स की ज्योग्राफी आई थी। हिस्ट्री ज्योग्राफी वैसे भी जब भी हम GK करते हैं ना तो 3 चीज़ें हमारे दिमाग में बड़ी बैठी होती हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस, साइंस भी बल्कि बाद में आता है, पहले तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, बस ये हमें याद में रहता है, तो उस हिसाब से इसमें मार्क्स आए भी हैं, ठीक है। करेंट अफेयर्स आपका 20, हिस्ट्री 18, ज्योग्राफी 14। नाउ द फोर्थ वन इज साइंस, साइंस में आपका साइंस भी काफ़ी मार्क्स का था, 11 मार्क्स का था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। फिजिक्स आपका 3 मार्क्स, ठीक है, एंड केमिस्ट्री 3 मार्क्स, एंड बायो 5 मार्क्स।
इस पे फोकस बायो पे ज़्यादा किया था, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है, मतलब एलिमेंट्री नॉलेज है आपके यहाँ साइंस पे। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल की आएगी। अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं भी थे तो भी कोई बात नहीं है, वो हो जाएंगे आपसे क्वेश्चंस जो आते हैं, ऐसा नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप पूरा उठा के हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस उठा के पढ़ो, मत पढ़ो। आप वही है प्रैक्टिस पेपर्स के थ्रू, ठीक है, कैप्सूल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे काफ़ी वेबसाइट्स पे, कैप्सूल्स के थ्रू आप अपने पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, उनको एक रिविजन दो, रिविजन करो, ठीक है, रिफ्रेश करो अपनी नॉलेज जो भी आपने टेंथ तक पढ़ी है। तो ये आपके तीन ये सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं यहाँ पे। नाउ द फिफ्थ वन इज़ पॉलिटी। हिस्ट्री जब हम करते हैं ना तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी काफ़ी कोरिलेटेड है। हिस्ट्री सिविक्स हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ये पॉलिटी जो है ना काफ़ी हद तक वैसी सी है, ठीक है। तो पॉलिटी भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पॉलिटी से अकेले आपके 10 क्वेश्चन आए थे। देन सेंसस, सेंसस मीन्स जनगणना। जनगणना के क्वेश्चन इंडिया और यूपी दोनों में, यूपी देखिएगा ध्यान से, यूपी इसमें भी है एंड नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा यूपी जनरल नॉलेज है। तो जैसा कि आपने सिलेबस ओवरव्यू में देखा था कि यूपी उत्तर प्रदेश को स्पेशली उन्होंने मेंशन किया था, जो कि आप देख भी सकते हो कि क्वेश्चंस भी आए थे। सेंसस के 7 क्वेश्चंस थे एंड यूपी जनरल नॉलेज के 7 क्वेश्चंस थे। अच्छा खासा वेटेज है क्वेश्चंस का ये आपके। देन इकॉनमी, इकॉनमी से आपके 5 क्वेश्चंस आए थे, अगैन काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर नेक्स्ट आपका है आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर जो है आपका, ये किसी भी तरह से आ सकता है, मतलब ये आपके करेंट अफेयर्स के फॉर्म में भी आ सकता है। आर्ट एंड लिटरेचर मीन्स हमारी जो संस्कृति है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उस पे मतलब बेस्ड आपका करेंट अफेयर्स में भी, जैसा डेली होता है कि हाँ किसी ने कौन सी बुक लिखी, क्या मिला, कला का क्षेत्र, कला एंड संस्कृति, ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे करेंट अफेयर्स भी बहुत सारे बनते हैं हमारे, रोज़ कुछ ना कुछ सुनने में आता ही है। एंड देन पास्ट में भी कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ होता है, ये उससे भी रिलेटेड है आपका। तो इसमें दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ये भी 5 मार्क्स के आए थे आपके। देन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके आए थे 2 क्वेश्चन, मीन्स लाइक जैसे पॉल्यूशन हो गया है ना, इन्वायरमेंटल हमें सेव करने के लिए जो मेजर्स हमने लिए हैं, या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपके इन्वायरमेंट पे आ गए। तो ये आपके 2 मार्क्स के आए थे। स्टेट्स एंड कैपिटल आपका 1 मार्क का आया था, सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था स्टेट्स एंड कैपिटल से, जो आपको पता होना ही चाहिए बिकॉज ये बहुत ही बेसिक है कि ज्योग्राफी आप शुरू ही कर रहे होते हो आप तभी पढ़ लेते हो स्टेट्स और कैपिटल, तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है, ये 1 मार्क्स का आपका हो गया। देन लास्ट आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स मैंने आपको जैसा बता ही दिया था करंट अफेयर्स में कि फोकस्ड होता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये वही है, सिमिलर टू आर्ट्स एंड लिटरेचर, की करंट अफेयर के फॉर्म में भी आ सकता है और जो पास्ट में हुआ उसके फॉर्म में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरल नॉलेज आपका ओवरऑल यहाँ पे ये 100 मार्क्स का डिविजन था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जो कि लास्ट ईयर में आया था। इसे देख के ना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका कोई पॉइंट वीक है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके हाथ में है। अगर आपका कोई वीक है तो इट्स ओके, लेट इट बी। जैसे कि जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं उनको साइंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्हें लगेगा कि यार साइंस कैसे करूँगा मैं, 11 मार्क्स का है ये, तो ये इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो साइंस आप, बाकी तो करो। बाकी जितने हैं, जितने यहाँ पे लिखे हुए आपके 11 टॉपिक्स और हैं, आप उन्हें अच्छे से कवर करो। और साइंस को भी ज़ीरो नहीं रखना है, कुछ तो आप प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ तो आप पढ़ोगे, थोड़ा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 11 क्वेश्चंस नहीं होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, कुछ तो होंगे, सो लेट इट बी। बट बाकी जितने पॉइंट्स हैं फिर आपको उन्हें स्ट्रॉन्ग रखना है। सपोज़ कोई और भी नहीं आता, इट्स ओके, तो बचे हुए 10 को करो, अच्छे से करो, लेकिन उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, ठीक है। 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है अपनी स्ट्रेंथ खोजने का और अपनी वीकनेस को शार्प अप करने का, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी जीके के लिए बनानी है। एंड बेस्ट इज़ गो फॉर द कैप्सूल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जनरल इंग्लिश। इसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ जो हमारा चैनल है सुपर 60 एजुकेशन हब, ये
मेनली फोकस्ड ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट ही है, आप इतने महीनों से पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, आप सबने सब्सक्राइब किया है, रोज़ आपको इंग्लिश पे कोई ना कोई वीडियो मिलती है एंड वो वीडियोस इनफ हैं आपके इस सेक्शन को कवर अप करने के लिए। ठीक है, जनरल इंग्लिश आपकी 50 मार्क्स की आती है जिसमें एरर डिटेक्शन है, एरर करेक्शन भी इसी में इंक्लूड हमने कर दिया है कि एरर करेक्शन भी इसमें आया है। एरर डिटेक्शन मींस आपको 4-5 ऑप्शंस होंगे, एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, बोला जाएगा कि उसमें एरर कौन से पार्ट में, ये बता दो। एरर करेक्शन मींस कि आपको एक सेंटेंस दे दिया एंड किसी चीज़ को अंडरलाइन कर दिया एंड उससे रिलेटेड आपको 4-5 ऑप्शंस दे दिए, बोला कि इसमें से कौन सा करेक्ट है जो इसे सब्स्टिट्यूट कर सके, सो दैट इज़ एरर करेक्शन। एंड देन इट इज़ जो आपका नेक्स्ट है वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। ठीक है, ये आपके अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, आ गए थे, मतलब लास्ट ईयर आते नहीं हैं, आई मीन आए थे। एंड एरर डिटेक्शन आपका अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ मिला के, करेक्शन और डिटेक्शन हर चीज़ को मिला के लगभग ये आपका 15 मार्क्स का हो गया था, जिसमें जो लास्ट के आपके दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसको भी, उससे भी रिलेटेड एरर डिटेक्शन था, तो वो भी इंक्लूडेड है। देन स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन आपका मतलब आप एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे होगे तो ये स्पेलिंग करेक्शन, सिनोनिम एंटोनिम एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपका तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा ही। ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन में क्या है, कोई भी स्पेलिंग दी जाएगी और उससे रिलेटेड आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, वर्ड मतलब एज इन आपको आइडिया लग जाएगा कि वर्ड कौन सा है। ठीक है, बट उसको स्पेल करेक्टली कैसे करना है वो आपसे ऑप्शंस के थ्रू पूछे जाएंगे एंड आपको कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। ये आपके दो क्वेश्चंस आए थे अप्रोक्स। देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके दो पैसेज आए थे, ये अनसीन पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा पैसेज आपको दिया जाता है जो कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमी का भी हो सकता है, सोशल इशू पे भी हो सकता है एंड इन जनरल कोई भी हो सकता है। ठीक है, उठा के उससे रिलेटेड आपके 5-6 क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप किए जाते हैं, यू हैव टू आंसर दैट। वो पहले क्या होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे कभी कभी, बट अब क्या होता है थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस आता है, लाइक योर व्यूज़, आप क्या सोचते हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। देन idioms एंड phrases मैंने आपको बता ही दिया था कि ये इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। एंड उसके बाद है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिले थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको जम्बल्ड फॉर्म में एक कंप्लीट सेंटेंस दिया हो सकता है या एक पैराग्राफ दिया हो सकता है, वैसे तो सेंटेंस होता है एक बड़ा सा सेंटेंस। ठीक है, तो आपको उन्हें अरेंज करना होता है करेक्ट ऑर्डर में ताकि उनका कोई एक वैलिड सेंस निकले। ठीक है, उस सेंटेंस का कोई सेंस निकले जो आपने अरेंज करके फॉर्म किया है। सेंटेंस कंप्लीशन इज लाइक फिल इन द ब्लैंक्स भी है, हो सकता है ये क्लोज टेस्ट भी हो सकता है, एनीथिंग। यहाँ पे आपके पार्ट ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इनके डायरेक्ट क्वेश्चन 4-4 आए थे आपके पास। ठीक है, बाकी एरर डिटेक्शन के फॉर्म में जो आते हैं वो आते ही हैं। सो इंग्लिश के लिए तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, आपको रोज़ का एडिटोरियल यहाँ पे मिलता ही है, तो उसमें आपके काफ़ी चीज़ें कवर अप हैं। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का भी एक तरीका, ठीक है, स्पेलिंग्स, आपकी वोकैब्स, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से काफ़ी मिल जाएंगी। सो आपको इंग्लिश के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से वीडियोस के थ्रू सारे लाइन वाइज इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मतलब वॉच करिए। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, काफ़ी अच्छे से उसको देख लीजिए। बट याद रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत हाई टाइम आपको अभी नहीं देना है, बिकॉज टाइम इज़ शॉर्ट एंड कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, सो यू हैव टू एक्ट स्मार्टली। ठीक है, ये नहीं कि अब उठाया चैनल पे 50-100 वीडियो पढ़ी है एंड आपने सारी लाइन से देख डाली, यू डोंट हैव टू डू दैट। चूज़ करिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कैसी है, किससे आपको क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश आपका यहाँ पे हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जनरल हिंदी। ठीक है, जनरल हिंदी ये क्या है, हमारा नया जुड़ा है जो जिसकी वजह से मतलब काफ़ी लोग परेशान हो गए कि क्योंकि एक बेसिक होता है ना, किसी से भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए हम इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, कंप्यूटर, हम मतलब यही सब सब्जेक्ट अपने प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हिंदी के लिए किसी ने नहीं सोचा होता है कि हिंदी भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड काफ़ी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं उनका भी हिंदी से टच बहुत पहले छूट चुका होता है। इनफैक्ट हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी टच
स्कूल टाइम ही तक होता है, उसके बाद भी सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स में इंग्रॉस्ड हो जाते हैं, तो जनरल हिंदी काफ़ी लोगों की छूट जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही आसान है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओ वहाँ पे, बिकॉज जैसे आपको इंग्लिश के लिए वर्क करना है, ये भी आपका हिंदी है, हिंदी व्याकरण, ठीक है, इसमें भी आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनके कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बट आप उसे भी शुरू से लेके एंड तक नहीं पढ़ सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ए टू जेड आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो इसका भी बेस्ट वे है कि प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम बुक खरीद ले आइए, आप प्रैक्टिस पेपर लगाइए, ऑनलाइन जाइए, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जिन पे क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, इनको अच्छे से पकड़ लीजिए, इन पे समझ लीजिए कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो इसे भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ये 20 मार्क्स का आता है, बट 20 मार्क्स भी हैवी हैं, काफ़ी अच्छे हैं, मेरिट बनाने के लिए बहुत होते हैं 20 नंबर भी, ठीक है। तो इनको देख लीजिए आप, संधि विक्रय पहचान के एक एक क्वेश्चन आए थे, पर्यायवाची समास तद्भव तत्सम एक एक क्वेश्चन था, वाक्य वर्तनी शुद्धि उपसर्ग प्रत्यय में एक एक क्वेश्चन था, विलोम संज्ञा विशेषण लिंग रचना रचनाकार। संज्ञा विशेषण और लिंग को देख के आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा संज्ञा विशेषण को कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली संज्ञा पुटअप हो जाए, संज्ञा में आपका जातिवाचक संज्ञा पे आया था, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि वही आपका पुटअप हो जाए। संज्ञा विशेषण को देख के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपका सर्वनाम भी आ सकता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होता है, तो मतलब संज्ञा विशेषण का मतलब है कि हिंदी में भी आपको उसी पे फोकस कर रहा है ये, एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहा कि संज्ञा ही दे देंगे हम आपको, ठीक है, दैट मीन्स आपको वो पोर्शन फोकस करके चलना है। संधि तद्भव तत्सम उपसर्ग प्रत्यय और समास, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें आपको अच्छे से देखना है, बाकी पर्यायवाची और विलोम ऑप्शंस देख के बहुत हद तक कैचअप हो जाते हैं, समझ में आ जाता है। रचना रचनाकार थोड़ा सा है कि हाँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बट इट्स ओके, 20 नंबर में अगर एक नंबर नहीं हो रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि छोड़ के मत जाइएगा, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो उतना तो पढ़ के जाना ही कम से कम, ठीक है। तो जनरल हिंदी आप अच्छे से इस पर भी अपनी पकड़ बना लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं सब्जेक्ट पर, जो कि हमारा है रीजनिंग मैथ। रीजनिंग मैथ को एक ही में 20 मार्क्स का कंबाइन कर दिया है, 10 मार्क्स का रीजनिंग 10 मार्क्स का मैथ, जैसा कि आया था लास्ट ईयर, बट ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी वैसा सा आ जाए, ठीक है। हो सकता है रीजनिंग ज़्यादा आ जाए, हो सकता है मैथ ज़्यादा आ जाए, बट देन टू जो लास्ट ईयर जैसा आया था हम उसके बेसिस पे चलते हैं। यहाँ पे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आपकी आई थी 3 मार्क्स की, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग मेरे जो आप रीजनिंग के वीडियोस देखोगे, तो अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया है रीजनिंग का वीडियो, तो सीरीज़ अभी मैंने ख़त्म किया है, ठीक है। सीरीज़ के जस्ट बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कोडिंग डिकोडिंग होगा, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में 3 मार्क्स अगर कोडिंग डिकोडिंग पे अच्छे से आए थे, तो दैट मीन्स आपको इसे ढंग से देखना पड़ेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस, इस पर अच्छी से अपनी पकड़ बनानी है आपको यहाँ पर, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आपको पहले बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, तो इस पर हम लास्ट में फोकस करने वाले हैं, बट देन टू जो आपका इसका लेवल था एआरओ का, बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स का डिसीजन मेकिंग आया था और 1 आपका कॉज एंड एक्शंस में आया था। कॉज एंड इफेक्ट भी आ सकता है, इसलिए कॉज एंड इफेक्ट को भी मैंने इंक्लूड रखा है, बिकॉज समटाइम्स कॉज एंड एक्शंस और कॉज एंड इफेक्ट को रिलेट कर देते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि आपको कुछ दिया एक चीज़, ठीक है, एक सिचुएशन दी, एंड देन आपसे पूछा कि अब बताओ कि अगर तुम्हें चूज़ करना हो तो व्हाट विल यू डिसाइड, कि कैसे क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्या आप डिसीजन लोगे यहाँ पे, वैसा क्वेश्चन हो गया। देन कॉज एंड एक्शन में कि कोई भी एक्शन किया, कोई भी चीज़ हो गई, उसके पीछे क्या कॉज था, या अगर ये कॉज है तो इसे सही करने के लिए हमें क्या एक्शंस लेने हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, मतलब सिंपल आए थे, बहुत सिंपल आए थे, तो थोड़ा सा आप अगर इनके बारे में समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड फिर से मैं आपसे वही बोलूँगी कि सिर्फ पेपर लगाइएगा, प्लीज़ बिल्कुल भी पढ़िएगा मत शुरू से लेके एंड तक, सिर्फ पेपर 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 ही लगाना है आपको, अपने आप को जज करना है, अपने आप को मार्क्स देना है, खुद का इवैल्यूएशन करना है आपको। देन आपका नेक्स्ट था सीरीज़, सीरीज़ आपका 1 नंबर का आया था, लेकिन ऑड वन आउट आपके 2 आए थे, तो सीरीज़ में ही ऑड वन आउट भी आ जाता है। मैंने आपको सीरीज़ पूरा टॉपिक पढ़ाया है, तो आई होप इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
देन एनालॉगी, एनालॉगी वैसे तो इतना वो नहीं होता इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी एक मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये हम आगे कवर अप कर लेंगे इसको। एनालॉगी भी बहुत सिंपल होता है, ये बेसिकली एक कंपैरिजन होता है आपको, जैसे होता है ना कि ब्लैक इज टू वाइट, नहीं बिग इज टू स्मॉल, देन फैट इज टू, ठीक है, तो वो जो हो गया जैसे बिग और स्मॉल में क्या रिलेशन है, बिग और स्मॉल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो जो आपसे नेक्स्ट पूछा है फैट इज टू, तो ये इसमें क्या लिखना है, हमें फैट का ऑपोजिट लिखना है, मीन्स स्लिम, ठीक है, तो बहुत ईजिली हो गया ये। तो एनालॉगी उस टाइप के क्वेश्चन हो गए, ऑप्शन देख के आप अच्छे से समझ सकते हो उसे। देन एक मार्क्स का आपका ब्लड रिलेशन आया था, एंड एक मार्क्स का आपका कैलेंडर आया था। कैलेंडर कई लोग इसको मैथ में भी इंक्लूड कर देते हैं, कई लोग इसको रीजनिंग में भी इंक्लूड कर देते हैं, बट इन शॉर्ट कैलेंडर जो है आपका रीजनिंग का ही पोर्शन होता है। एसएससी में भी आ जाता है कैलेंडर, तो हम कैलेंडर को भी कवर करेंगे, बट कैलेंडर में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला सिंपल सिंपल दो तीन फॉर्मूले होते हैं, आप उन्हें पढ़ लो तो उससे भी निकल जाएगा, बहुत टिपिकल पेपर नहीं आता है यारों का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मैथ। मैथ में आपके जो है टॉपिक्स थे ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज। इनमें से सबसे एक एक क्वेश्चन आ गए थे। ज्योमेट्री में जैसा कि मेरा मतलब मानना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हैं बहुत फोकस्ड है नहीं यहाँ पे, मतलब 10 नंबर की मैथ आपकी है, ठीक है, एक नंबर का ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही टिपिकल तो नहीं होगा। एंड बिकॉज अगर टिपिकल हो भी, तो फिर भी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप शुरू से लेके बहुत कायदे से ज्योमेट्री बैठो लेके, ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से तो होगा ही। बाकी एक जो फॉर्मूले होते हैं ना, कहीं पे जॉट डाउन कर लो अच्छे से किसी पेपर में, एंड फॉर्मूले अच्छे से याद करके चले जाओ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मैथ के फॉर्मूले बेस्ड होते हैं जो आते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद हो, आपकी कैलकुलेशन तेज़ हो, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो। इन दैट केस प्रॉबिलिटी, प्रॉबिलिटी क्या है, इंक्लूड हो गया है इस बार, एंड प्रॉबिलिटी इज़ एक नंबर का आता है, ये भी बहुत टफ नहीं आता, ठीक है, तो इसे भी अच्छे से, मतलब इसका भी छोटा सा कंसेप्ट होता है, इसको भी देख लेना कि कैसे होता है। देन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका हो गया, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, ये एक ही टॉपिक है, आपस में कोरिलेटेड है, पर दोनों से क्वेश्चन आए थे, सो इसका जो प्रिपेयर करने का वे है वो एक ही है, ठीक है। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट आपका आया था, होता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, बट इट डजेंट मीन कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट कर दोगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के भी फॉर्मूलेज अच्छे से देखने पड़ेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, जितने भी ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनका जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि मैंने मतलब पर्सनली फील किया है, फॉलो किया है, वो ये कि ये आपको ना हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे, बात एआरओ की नहीं है, ये किसी भी एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। तो इनका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इस पे आप अपनी पकड़ को अच्छी करने के लिए मैक्सिमम डीआई लगाओ। डीआई मींस डाटा इंटरप्रिटेशन, एआरओ में यहाँ नहीं है, लेकिन ये एसएससी में आता है, बैंक में आता है, ये मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका आता है, और अच्छे खासे वेटेज में आता है, ऐसा नहीं कि एक नंबर का आ गया, काफ़ी वेटेज में आता है ये। तो डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड आप जितने क्वेश्चंस लगाओगे ना, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत तेज़ होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत तेज़ होगा कि कब क्या अप्लाई करना है और कैसे करना है, ठीक है। देन प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, इन पे भी पकड़ बहुत तेज़ हो जाएगी। सो डीआई मैक्सिमम लगाओ, ठीक है, अभी एआरओ के लिए भी आई वुड सजेस्ट डीआई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके 3-4 ये टॉपिक्स तो प्रिपेयर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग मैथ्स हमारी यहाँ पे फिनिश होती है कि हाँ इसे हमें कैसे पढ़ना है, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट सब्जेक्ट की तरफ एक्चुअली बढ़ते हैं, जो कि है कंप्यूटर, ठीक है। एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस बहुत सारी आती हैं, बट जो हमारा फोकस होना चाहिए वो अभी 3 पे होना चाहिए फिलहाल, एमएस वर्ड पे, एमएस एक्सेल पे, एमएस पावर पॉइंट पे। एमएस वर्ड से अकेले आपके 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो इस पे बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। हार्डवेयर एंड डिवाइसेस में क्या है, जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, प्रिंटर, मॉनिटर, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर एंड डिवाइसेस हो गई। हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर, इनसे आपके 2-2 क्वेश्चन आए थे।
कंप्यूटर मेमोरी रैम रोम आपके एक क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन आया था, नंबर सिस्टम में बाइनरी सिस्टम से आया था एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल है ना, इस टाइप के जो भी हैं ये नंबर सिस्टम आपका होता है, तो उसमें बाइनरी से एक आया था। देन वायरस से आपका एक क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर क्योंकि कम मतलब मार्क्स की आती है और बहुत ही बेसिक आती है, तो इसे आप बहुत अच्छे से मतलब कवर अप कर सकते हो। ये तो आपका मतलब बहुत ही ईजिली आपका पेपर से सॉल्व हो सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स से आपकी इस पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी बन सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अभी एक समरी के वे में और रिवीजन के वे में आपको पढ़ना है, सो आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, लूसेंट कंप्यूटर्स आती है उससे आप पढ़ सकते हो। ट्रिपल सी की अगर आपके पास बुक्स है, आपने ट्रिपल सी किया होगा, ARO में वैसे भी कंपल्सरी है, तो आप उसमें क्या कहते हैं ट्रिपल सी में ही आपको ये सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे, काफ़ी सारे इसमें से मिल गए होंगे, तो आपका बहुत अच्छे से ये प्रिपेयर हो सकता है। तो कंप्यूटर के लिए भी आपको वरी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स ओवरऑल रिटन एग्जामिनेशन का एक ओवरव्यू था, एक पैटर्न की स्टडी थी थोड़ी डिटेल में, जो हमने लास्ट ईयर के पेपर से करी है। और अच्छे से आपको अगर इस पर मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने आपके लिए ARO के लास्ट टाइम के पेपर की लिंक मैंने दी है, ठीक है, आप उसे देखिएगा और उसे लगाइए। अपने लेवल को पहले तो पहचानिए कि आप कहाँ पे लाए कर रहे हैं, आपको कितनी एफर्ट की और ज़रूरत है और किन किन एरियाज़ में ज़रूरत है। एंड डोंट लूज़ होप कि आपका, अगर सपोज़ आपको लग रहा है कि नहीं आपने पेपर सॉल्व किया एंड आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं स्कोर कर पा रहे हो, इट्स ओके, डोंट लूज़ होप, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा। एंड जिन बच्चों का ये फर्स्ट एग्ज़ाम भी होगा, आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप कई सालों से अगर पढ़ रहे होते तो ही आप निकाल सकते हो, आप बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप जब करोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि आज सिर्फ आप कायदे से 10-15 दिन करना है, एंड देन यू विल फाइंड आउट आफ्टर द एंड ऑफ 15 डेज कि आपके अंदर एक रिमार्केबल चेंज आया है एंड बहुत ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड स्पेशल डिमांड है, किसी और टाइप का टॉपिक या कोई वीडियो आप मतलब चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, एंड वी विल ट्राई कि हम आपके उस चीज़ को फुलफ़िल करें। बाकी हमारी जो चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं इंग्लिश की, आपका इंग्लिश उससे प्रिपेयर होगा, रीजनिंग हम आपको दे रहे हैं, बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी मैक्सिमम सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकें जितना हम कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।